आपको वैसा नहीं करना है, ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप फेब्रुअरी वाले में अच्छा करो, उसमें आपके कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल बनेंगे। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जेई मेन 2021 के रिगार्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स कवर अप करूंगा, जैसे कि आपके कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है जेई मेन 2021 के लिए, कितने बच्चे फरवरी में देने वाले हैं, कितने बच्चे आगे देने वाले हैं, कितने बच्चे यू नो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने वाले हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कंपटीशन किस तरीके से हमारे पास में रहेगा इस बार, क्या आसान हो जाएगा कंपटीशन या फिर टफ हो जाएगा कंपटीशन, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि आपको कौन से अटेम्प्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेई मेन 2021 के लिए रजिस्टर किए हो तो। सबसे पहले तो जेई मेन 2021 ज़्यादा बच्चे देंगे, 2019 में जितने बच्चे दिए थे कुछ 9.5-10 लाख के लगभग दिए थे, 2020 में भी कुछ वैसा ही सिनेरियो रहा था, 2020 में थोड़े से कम हो गए थे, 2019 में 10 लाख थे, 2020 में कुछ 9.5 लाख हो गए थे और 2021 में अब 11 से 12 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। मतलब इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रजिस्टर करें और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देंगे उसकी संख्या बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है समझते, सबसे पहले बहुत सारे ड्रॉपर्स हुए हैं इस बार, ड्रॉपर्स की संख्या बढ़ गई है क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से एग्जाम बहुत लेट हुआ था। एग्जाम लेट होने की वजह से जो ड्रॉपर्स हैं उनको सिर्फ उनको यू नो ज्यादा वो नीड फील नहीं हुआ कि उनको एक साल वेट करना पड़ेगा। जब एग्जाम ही इतना लेट हुआ, सेप्टेम्बर में जाकर के एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर नया साल आ गया, जनवरी फरवरी 5 महीने बाद ही वापस से एग्जाम था। तो इस वजह से क्या हुआ, माइंडसेट जो लोगों का होता है ना कि यार एक साल बर्बाद, तो वो माइंडसेट जो होता है ना वो चेंज हो गया, लोगों के माइंड में ये आने लग गया कि चल ठीक है 5 महीने बाद वापस से एग्जाम है तो अब वापस से तैयारी करके 5 महीने बाद ही देना, अपने को एक साल का वेट नहीं करना। टेक्निकली वैसा लोगों के दिमाग में आ गया, बट वैसे तो वो टेक्निकली एक साल है, बट फिर भी राइट। तो बहुत सारे इसके वजह से ड्रॉपर्स में कन्वर्ट हो गए क्योंकि जो गैप है दोनों एग्जाम के बीच का 2020 का 2021 का, उस गैप में यू नो ज्यादा गैप नहीं है, गैप कम है। दूसरा ये हमारे पास में हुआ कि बहुत सारे बच्चे कोरोना की वजह से एग्जाम देने ही नहीं गए 2020 में, तो वो बच्चे भी ऑटोमेटिकली यू नो अब इस साल दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉपर्स बन गए जो एग्जाम देने नहीं गए यू नो कोरोना के डर से। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया क्योंकि वो पढ़ाई ही नहीं कर पाए कोरोना की वजह से, यू नो सारी चीजें हौचपौच हो गई। ठीक है, कुछ बच्चों को खुद ही कोरोना हो गया, कुछ बच्चों के फैमिली मेंबर्स को हो गया, तो माहौल इस तरीके से हो गया था कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से 2021 में अब ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मान लो कि कंपटीशन आपका थोड़ा टफ होने वाला है। अब कंपटीशन टफ होने के सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि ज़्यादा बच्चे देंगे, कंपटीशन टफ होने का आपका ये भी रीज़न है कि आपके 4 एग्जाम्स होने वाले हैं, 4 में से बेस्ट लिया जाएगा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, उसके बाद में जून जुलाई तक आपका एडवांस होगा, तो 4 एग्जाम में बेस्ट लिया जाएगा। तो कंपटीशन किस तरीके से टफ होगा समझो, मान लो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फरवरी में आप उनको बीट करोगे लेकिन मार्च अप्रैल मई आते आते वो आपको बीट कर चुके होंगे, समझ रहे हो। आप फरवरी में एग्जाम दोगे, आप मान लो किसी दूसरे स्टूडेंट से बेटर हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो बच्चा जो जिससे बेटर आप थे फरवरी में वो मार्च अप्रैल मई, ठीक है, बाकी के जो 3 एग्जाम्स हैं तब तक वो इम्प्रूवमेंट कर लिया 3 महीने और पढ़ के और वो आपसे बेटर परसेंटाइल ला सकता है क्योंकि ये बेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पर आपका सिर्फ फरवरी वाला काउंट नहीं होगा, फरवरी से लेकर के आपका मई तक का जो बेस्ट रहेगा परसेंटाइल वो आपका काउंट किया जाएगा। तो इस वजह से जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, लेकिन साथ में जो आपसे पीछे था उसमें से भी बहुत सारे बच्चे उठ करके आगे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन है वो बढ़ गया और ऑटोमेटिकली आपका जो कट ऑफ वगैरह है वो थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। वैसे आप कट ऑफ को मत सोचो, आप ये सोचो कि आपको सीट कितने में मिलेगी, कट ऑफ के बारे में ज्यादा आप मत सोचो जेई मेन का कट ऑफ क्या रहेगा, बट आप ये सोचो कि आपको सीट कितने में मिलेगी। आपको अगर 150 में कोई सीट एक्सपेक्टेड थी तो आप सोच लो कि आपको 20 नंबर ज्यादा ही लाने हैं, 170 में अब आपको वो सीट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा आप 150 में जो डिजर्व कर रहे थे अब 130 वाला बच्चा भी इंप्रूवमेंट करके 155 तक पहुंच सकता है ना टेक्निकली। वैसे तो ये परसेंटाइल के बेसिस पर होता है बट मैं आपको मार्क्स के बेसिस पर समझा रहा हूँ कि बच्चा ज्यादा नंबर ला सकता है, उसकी परसेंटेज ज्यादा आ सकती है आगे आने वाले एग्जाम्स में, तो उसमें बेस्ट लिया जाएगा, राइट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो फरवरी के बाद भी आगे एग्जाम्स देने वाले हैं। आपको मैं अगर बताऊं तो 6 लाख बच्चे लगभग आपका फरवरी का अटेम्प्ट देने वाले हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो आपके मार्च अप्रैल में जो आगे के एग्जाम्स है वो देने वाले हैं। जो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 11 से 12 लाख लोग ही हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होएगा वो 20-25 लाख के ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो फरवरी के साथ साथ मार्च में भी देंगे, अप्रैल में भी देंगे, ठीक है, और फरवरी का एग्जाम होने के बाद में विंडो फिर से खुलेगा, फिर से ऑप्शन मिलेगा बच्चों को कि वो चाहे तो मार्च का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है,
वो चाहे तो अप्रैल का एग्जाम दे सकते, तो विंडो बाद में भी खुलेगा। तो जिन बच्चों का फरवरी का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा वो वापस से मार्च का भरेंगे, जिनका मार्च का अच्छा नहीं जाएगा वापस से अप्रैल का भी भरेंगे। तो जो वो वाले बच्चे हैं ना जो जिनकी मार्क्स अच्छे नहीं आएगी फरवरी में, वो ऑटोमेटिकली आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। मेजोरिटी बच्चे तो कैरी फॉरवर्ड सोचेंगे, चल ठीक है अगले बार वापस से ट्राई करते हैं, मार्च में नहीं होगा अप्रैल में ट्राई करते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस सिस्टम का फायदा भी उठाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपना पैसा बर्बाद करेंगे। हर टाइप के बच्चे होंगे, लेकिन इससे कंपटीशन पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। तो आपके यूनिक 11 से 12 लाख लोग हुए, उसमें से 6 लाख बच्चे आपके फेब्रवरी वाला देने वाले हैं, और बाकी 4-5 लोगों ने फेब्रवरी वाले के लिए ऑप्ट नहीं किया बट आगे के लिए ऑप्ट किया है मार्च अप्रैल, ठीक है। और इन 6 लाख जो फेब्रवरी वाले हैं उसमें से भी बहुत सारे आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जब विंडो वापस से जब खुलेगी, तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे वो वापस से आगे के लिए अप्लाई करेंगे। अब आपको कौन से अटेम्प्ट पे फोकस करना है, सबसे पहले तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको फेब्रवरी में अच्छे से फोड़ना है, क्योंकि फेब्रवरी में ना बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता, बहुत सारे बच्चे टाल देते हैं, जैसे होता है ना एक प्रोक्रास्टिनेशन कि हाँ चल ठीक है अपने पास तो टाइम है, तो वो टाइम है वाला एटीट्यूड बहुत सारे बच्चों में आ जाता है। ये मैंने देखा है, काफी जगह पढ़ाता हूँ मैं यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, मेरे को पता है काफी सारे बच्चों के प्रोक्रास्टिनेशन वाला वो दिमाग में आ जाता है। तो आपको वैसा नहीं करना है, ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप फेब्रवरी वाले में अच्छा करो, उसमें आपके कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल बनेंगे, समझ गए आप मेरी बात। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम बाद में झंडे गाड़ेंगे, तीर तीर मारेंगे, वहां आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की तब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की सिलेबस कंप्लीट हो चुकी होंगी, उनकी एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप हो चुकी होंगी, जब वो फेब्रवरी का देंगे मार्च का देंगे उनकी एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप हो चुकी होगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो डू एंड डाई सिचुएशन होगा लास्ट वाला, तो बहुत सारे बच्चे अपना फुल एफर्ट मारेंगे। तो आपको क्या करना है, फेब्रवरी में ही झंडे गाड़ लेने, उससे क्या होगा आपकी एनआईटी की सीट पक्की हो जाएगी, आप अच्छे से फिर एडवांस की तरफ फोकस कर सकते हो, समझ गए। या तो आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी तो आपको पक्का है कि हाँ चल ठीक है एनआईटी तो मिलना ही है, या अगर आपकी एवरेज भी आएगी तो आपको टेंशन कम रहेगी, आप फिर मार्च में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर लोगे, अप्रैल में थोड़ा और कर लोगे, तो आपको एक अच्छी सीट मिल जाएगी और आप साइड बाई साइड एडवांस एडवांस के लिए फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फेब्रवरी डुबा दिया, आपका टेंशन स्ट्रेस इतना हाई हो जाएगा ना, हो सकता है आपका मॉरल डाउन हो जाए, इसके वजह से मैं कह रहा हूँ फेब्रवरी में अच्छा कर लो, ताकि आपको एडवांस के लिए भी टाइम मिल जाए, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या अच्छे स्टूडेंट हो तो। अगर आप कमजोर स्टूडेंट हो, डोंट वरी, आप एग्जाम्स दो और इंप्रूवमेंट करते रहो, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल और मई तक जाके आप अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर लो। अगर आप अभी भी कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो भी आप अभी भी स्टार्ट करके 3-4 महीने में कर सकते हो, होप रखो, ठीक है ना। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फेब्रवरी अटेम्प्ट को अच्छे से दो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपके 11-12 लाख हो चुके हैं, ठीक है, एंड कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी रियली टफ, और जो आप एक्सपेक्टेड थे कि आपको 150 में इतने मार्क्स मिलेंगे या फिर 150 में इतने आपको ये सीट मिलेगी, फलाना ब्रांच मिलेगा फलाना कॉलेज का, तो वहां पर आप अपने टारगेट्स को 20-20 नंबर से ऊपर बढ़ा लो, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते इस बार क्या होगा, पॉसिबल हो तो 30 मार्क्स से बढ़ा लो आप, ठीक है, सेफ साइड में आप लोगों को रहना है। और फेब्रवरी में अपनी जान झोंक दो, फेब्रवरी में अपनी जान झोंक दो, क्योंकि फेब्रवरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बता पाया हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाया हूँ, थोड़ा सा एक सही रास्ता दिखा पाया हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद जो देखने के लिए, बने रहिए यार।